गुड मॉर्निंग, आज हम बात करेंगे यूनिट वन में हाउ टू राइट कॉपी दैट कम्युनिकेट, कि हम कॉपी किस तरह लिखें जो कम्युनिकेट करें। इसके लिए मैं आज आपको एक ज़रूरी फार्मूला बताऊंगी, जो है एडा फार्मूला। एडा मतलब AIDA। एडा का मतलब यहाँ अटेंशन से, आई का मतलब इंटरेस्ट से, डी का मतलब डिज़ायर से, और ए का मतलब एक्शन से। एडा फार्मूला यूं तो 19वीं शताब्दी के अंत में इसका आविष्कार किया गया था, परंतु यह फार्मूला आज तक भी उतना ही पॉपुलर है जितना उस समय था। एडा कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमें एडा के एक एक शब्द पर अच्छे से ध्यान देना होगा। एडा, ए का मतलब अटेंशन, अटेंशन मतलब अवेयरनेस, ध्यान आकर्षित करना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति, लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना। ध्यान आकर्षित कई तरीके से किया जा सकता है, हम उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाएं कि लोगों का ध्यान हमारे उत्पाद की तरफ आ जाए, वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। दूसरा फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि उत्पन्न करना। जब आपका अटेंशन किसी प्रोडक्ट की तरफ, आपके उपभोक्ता का चला जाता है, तब हमारा दूसरा काम होता है कि हम उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा करें, रुचि उत्पन्न करें उस उत्पाद या सेवा के प्रति उपभोक्ता की। जब इंटरेस्ट भी उत्पन्न हो जाता है, तब जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को खरीदे, तो हमें उसके लिए उसमें डिज़ायर उत्पन्न करनी पड़ती है, इच्छा उत्पन्न करनी पड़ती है। तो हम इच्छा के बारे में सोचते हैं कि इच्छा कैसे उसके अंदर जागृत की जाए कि वह हमारा प्रोडक्ट खरीदे। जब इच्छा भी जागृत हो गई, तब भी जरूरी नहीं है कि वह प्रोडक्ट खरीदेगा, तो एक्शन, एक्शन करना कि मतलब वो उस चीज़ को खरीद के ले आए अपने घर में, वो खरीद के उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तत्पर हो जाए और खरीद ले। यहाँ तक का हमारा टास्क होता है कि मतलब हमारा काम है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, देन एक्शन। जब ये चारों टास्क कंप्लीट होते हैं, तभी ही हमारी कॉपी कंप्लीट होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम अटेंशन, इसको फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। इसकी एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग की फर्स्ट स्टेप है अटेंशन क्रिएट करना। अटेंशन हम किस किस तरह से क्रिएट करेंगे? अटेंशन हो सकता है हम किसी भी अप्रत्याशित स्थानों पर अपना ऐड करें। जैसे आपने देखा होगा किटकैट का ऐड आजकल एक आ रहा है, जो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, बेंच के ऊपर ही किटकैट बना दी गई है, जो बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैकडोनाल्ड के जो ऐड होते हैं, मैकडी के ऐड जो हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग पे बने हुए हैं। इस टाइप से हम अलग ही तरह से उसको, लोगों को आकर्षित करते हैं। एक हो सकता है लुभावना ऐड, कैप्टिवेटिंग ऐड। कैप्टिवेटिंग ऐड वो ऐड है जो हमें लुभाए या हमारे उपभोक्ता को लुभाए। उसमें हम कोई भी ऐसी चीज़, जैसे घर की किसी को ज़रूरत है, तो हम इस टाइप का ऐड देते हैं कि घर, आपको घर चाहिए, तो हमारा मतलब उसको लुभा रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत है, तो हम उसको लुभा रहे हैं। ये होगा आपका लुभावना ऐड। इस टाइप से आप उसको अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा होता है पर्सनलाइज। आप पर्सनल तरह की बातें करें उससे, बिल्कुल पर्सनली उससे बातें करें। जैसे आपको कोई स्विगी का, अमेजोन का, इस टाइप के जो भी ऐड आ रहे हैं आजकल, वो सारे पर्सनलाइज ऐड की कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद होता है एक इंटेलिजेंट टारगेटिंग। आप बहुत इंटेलिजेंट तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस को खोजें। ये हुआ आपका अटेंशन। अटेंशन के बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में जब आपका अटेंशन क्रिएट हो गया है, तो हम इंटरेस्ट की बात करें। इंटरेस्ट में हम उसको उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दें कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए क्यों ज़रूरी है, वो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो उसके लिए यूज़फुल होगी। जब इंटरेस्ट जागृत हो जाए, तो हम डिज़ायर की बात करेंगे कि उसमें इच्छा हो कि वह उस प्रोडक्ट को ले। तो इच्छा के लिए हमें क्या लिखना है, ये हम जानेंगे कि हम कैसे क्लाइंट की इच्छा को जागृत करें। जब इच्छा जागृत, ये नहीं हो सकता कि हमारा इंटरेस्ट जागृत हो गया और हमारा अटेंशन भी हमने प्रोडक्ट की तरफ ला दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर उसकी डिज़ायर हो। लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे,
परंतु उनकी कोई इच्छा नहीं होगी उसके बारे में उसको खरीदने की, तो हमारी जो कॉपी है वो सक्सेस नहीं है। अब जब इच्छा हमारी जागृत करने के लिए हमें फिर वही टेक्निक्स हमको अपनानी पड़ेगी कि हम किस टाइप से उसकी इच्छा जागृत करें। इच्छा जागृत करने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ इस टाइप के ऑफर्स देने पड़ेंगे जो उसको लगे कि अब मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं, या उसको ऐसा, या तो उसको कई तरीके से उसको बहलाया जाएगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदें। उसके बाद जब वो उसकी डिज़ायर हो गई तो लास्ट आपका आता है एक्शन। जब उसकी एक्शन उसने ले लिया तब आप उसे मानेंगे कि आपका, आपकी जो कॉपी है वो पूरी तरह से सक्सेस है। आज मैं इतना ही बताऊंगी, आप एडा के बारे में ढंग से पढ़ें, उसे जानें, उसे समझने की कोशिश करें, और आज मैं आपको इसके बारे में एक PPT भी दे दूंगी। थैंक यू।